स्वागत है आप सभी का सिनेफ्लेक्स के एक और एपिसोड में, जहां आज के इस एपिसोड के अंदर हमारे पास बहुत सारी अपडेट्स है बॉलीवुड और इंडियन सिनेमा को लेके, जहां वॉर 2 से लेके सलमान खान की एक नई मूवी, सलार 2 की शूटिंग से लेके एक बड़ी फ्रेंचाइजी के कैंसल होने तक की न्यूज। पर क्या वो फ्रेंचाइजी ब्रह्मास्त्र है, जानने के लिए वीडियो अंत तक देखना। अब मुझे पता है कि ये वाला वीडियो थोड़ा सा डिले हो चुका है क्योंकि मैं कुछ वीडियोस में बिजी हो गया था, जैसे शैतान का रिव्यू पोस्ट करना था मुझे और फिर कल्कि का पोस्टर भी आ गया और फिर उसके बाद गुड लाइफ का ट्रेलर भी आ गया था, तो ये वीडियो काफी ज्यादा डिले हो गया। पर कोई बात नहीं, आज की वीडियो के अंदर अपन सारी अपडेट्स को कवर कर लेंगे। शुरू करते हैं स्पाई यूनिवर्स की वॉर 2 मूवी से, जहां वॉर 2 की शूटिंग बहुत तेजी से चल रही है और ऋतिक रोशन ने अपने आगे आने वाले 100 दिनों की डेट्स YRF को अलॉट कर दी है वॉर 2 मूवी के लिए। साथ ही साथ YRF वाले इस मूवी को शूट करने के लिए बहुत एडवांस फिल्मिंग टेक्निक्स का यूज कर रहे हैं। अब डायरेक्टर आयान मुखर्जी हैं, तो आप ये सारी चीजें एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि वो डायरेक्टर अपनी नई नई चीजों को एक्सपेरिमेंट करने के लिए जाने जाते हैं। अब जब से मैंने ब्रह्मास्त्र उनकी मूवी देखी है तो मुझे उन पे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया है, क्योंकि अगर इतने हैवी वीएफएक्स वाले प्रोजेक्ट को वो पुल आउट कर सकते हैं तो मेरे ख्याल से किसी भी मूवी को पुल आउट कर सकते हैं। वही खबर ये भी आई थी कि वॉर 2 मूवी के अंदर जो ऋतिक रोशन का एंट्री सीन होगा वो जापान के बैकड्रॉप में शूट हुआ है और उसमें हमें ऋतिक रोशन सोर्ड फाइटिंग करते हुए दिखेंगे। मैंने कहा था ना आयान मुखर्जी का नाम जुड़ा है तो तुम नई चीजें एक्सप्लोर करोगे मूवी के अंदर, और ये उन्हीं में से एक है। और साथ ही साथ इस मूवी से ये भी रूमर आया था कि इस मूवी के अंदर जूनियर एनटीआर के अगेंस्ट हमें कियारा आडवाणी देखने को मिल सकती है। हालांकि ये भी कंफर्म नहीं है, सिर्फ एक रूमर है, तो टेक इट एज अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। इसके अलावा स्पाई यूनिवर्स से एक और अपडेट सामने आई है कि भाई जो अपने टाइगर का कैरेक्टर यानी कि सलमान खान का कैरेक्टर, वो अब हमें आने वाली कुछ स्पाई यूनिवर्स की मूवीज में कैमियो देता हुआ नहीं दिखेगा। मतलब टाइगर के कैरेक्टर को कैमियो से थोड़ा ब्रेक दिया गया है, जहां आगे आने वाली वॉर 2 में भी वो हमें नहीं दिखेंगे। उसके अलावा पठान 2 में उनका कोई कैमियो नहीं होगा। अब वो डायरेक्ट हमें टाइगर वर्सेस पठान में देखने को मिलेंगे, जो कि मोस्ट प्रोबेबली 2027 में या फिर शायद लेट 2026 में देखने को मिल सकती है। तो भाईजान के फैंस के लिए ये बुरी खबर जरूर है, बट इसके अलावा एक अच्छी खबर भी है भाईजान के फैंस के लिए, और वो ये है कि साजिद नाडियाडवाला ने डायरेक्टर AR मुर्गोदोस को अपॉइंट किया है सलमान खान के साथ एक मूवी करने के लिए, एंड ये मूवी ईद 2025 में रिलीज होने वाली है। अब शुरू में जब इस मूवी को लेकर रूमर्स चालू हुए थे तब लोगों ने सोचा कि शायद साजिद नाडियाडवाला किक 2 पर काम चालू कर रहे हैं और सलमान खान की किक 2 हमें जल्दी देखने को मिलेगी। और फिर उसी दिन साजिद नाडियाडवाला ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया कि ये मूवी किक 2 नहीं है, और उसके अगले ही दिन ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि एक ऐसी मूवी बन तो जरूर रही है, पर उसका टाइटल अभी अनाउंस नहीं किया गया है। अब आपको याद होगा कि पिछले साल 2023 में 15 अगस्त के अराउंड एक बहुत बड़ा क्लैश हुआ था, जहां 10 अगस्त को जेलर रिलीज हुई थी और 11 अगस्त को ओ माय गॉड 2 और गदर 2 का क्लैश हुआ था। तो मतलब कुल मिला के काफी बड़ा क्लैश था 15 अगस्त 2023 को। वैसा ही कुछ सीन इस साल 15 अगस्त को भी क्रिएट होने वाला है, जहां बहुत बड़ा क्लैश देखने को मिलेगा, जहां बॉलीवुड से अपनी कॉपी यूनिवर्स की सिंघम अगेन रिलीज हो रही है, उसके बाद तेलुगु इंडस्ट्री की अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 भी रिलीज होगी। वहीं साथ ही साथ रिपोर्ट्स ये भी आ रहे हैं कि तमिल इंडस्ट्री से थलापति विजय की ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मूवी भी 15 अगस्त को रिलीज की जा सकती है। इसके अलावा कन्नडा इंडस्ट्री से एक्टर शिवा राजकुमारन की हाईली एंटिसिपेटेड मूवी राणा गल भी 15 अगस्त 2024 को रिलीज होगी। तो एक बार फिर से 15 अगस्त को एक बहुत बड़ा क्लैश होने वाला है बॉक्स ऑफिस पर, एंड जहां तक मुझे लगता है तो 2025 के भी 15 अगस्त में एक बहुत बड़ा क्लैश हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि वॉर 2 का रिलीज डेट उसी के अराउंड है। अगले अपडेट की बात करें तो अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ स्टारिंग बड़े मियां छोटे मियां का ट्रेलर 26 मार्च को रिलीज होगा ये बताया जा रहा है। साथ ही साथ इस मूवी से दो गाने भी ड्रॉप हो चुके हैं, जो कि कुछ खास इंप्रेसिव नहीं थे, ठीक ठाक गाने हैं दोनों। वैसे मेरे ओपिनियन में बड़े मियां छोटे मियां से रिलेटेड जितने भी प्रमोशनल मटेरियल इन लोगों ने ड्रॉप किया, जितने भी प्रमोशन करने की कोशिश की है, बहुत बेकार स्ट्रेटेजी है प्रमोशन की, एंड मोस्ट प्रोबेबली ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो जाएगी। अगर मूवी के अंदर कुछ एक्सेप्शनल रहा तो बात अलग है, वरना ये मूवी को फ्लॉप होने से कोई नहीं रोक सकता। इसके अलावा अगले अपडेट की बात करें तो रामचरण की नेक्स्ट मूवी गेम चेंजर का एक सॉन्ग रिलीज होने वाला है इसी महीने 26 या 27 मार्च को, रामचरण के बर्थडे के दिन। अब पहले तो ये सॉन्ग पिछले साल ही रिलीज होने वाला था, बट ये सॉन्ग तब रिलीज नहीं हो पाया और अब इसको रामचरण के बर्थडे के दिन रिलीज करेंगे। साथ ही साथ गेम चेंजर मूवी का शूटिंग शेड्यूल फिक्स हो चुका है वाइजैक के अंदर, जो कि इसी हफ्ते से शुरू होगा और अप्रोक्सीमेटली 15 दिन तक चलेगा, यानी कि मार्च एंड तक। अगले अपडेट की बात करें तो अपने अक्षय पाजी ने एक और पिक्चर साइन कर ली है। हां, मुझे पता है उनकी 10-12 पिक्चर लाइनअप में ऑलरेडी है, लेकिन फिर भी एक और पिक्चर उन्होंने साइन कर ली है फुकरे के डायरेक्टर मृगदीप सिंह लांबा के साथ। बताया ये जा रहा है कि ये मूवी आउट एंड आउट एक कॉमेडी मूवी होगी, एंड मोस्ट प्रोबेबली ये 2026 में रिलीज होगी। अब आप लोग कह सकते हो कि यार अक्षय कुमार 30-30 दिन में पिक्चरों का शूट खत्म कर देता है, तो इतनी लेट क्यों ये मूवी रिलीज होगी? तो देखो, शूटिंग की दिक्कत नहीं है, शूटिंग तो कल खत्म कर देंगे अक्षय पाजी, रिलीज डेट की दिक्कत है। इस साल भी उनकी 6 मूवीज प्लान है, अगले साल भी 6 मूवीज प्लान है,
तो भाई कहाँ पिक्चर रिलीज कर देंगे, कोई डेट ही नहीं बची है बीच में, तो अगले साल पोस्टपोन कर दिया गया, 2026 में आएगी ये मूवी। अगले अपडेट की बात करें तो अजय देवगन ने डायरेक्टर लव रंजन के साथ कोलैबोरेट करके दे दे प्यार दे का सीक्वल अनाउंस कर दिया है। इस मूवी की शूटिंग इसी साल मई या जून से शुरू हो जाएगी एंड ये मूवी हमें 1 मई 2025 पे देखने को मिलेगी। इस मूवी में अजय देवगन के साथ रकुल प्रीत सिंह कंफर्म्ड है और बाकी की कास्ट रिवील होना भी बाकी है। इसके अलावा पिछले हफ्ते महाशिवरात्रि के दिन हजारों करोड़ों पिक्चरों के फर्स्ट लुक पोस्टर्स या फर्स्ट लुक टीजर्स ड्रॉप कर दिए गए, जिनमें से सबसे पहले तो कल्कि का एक पोस्टर ड्रॉप किया गया जहां प्रभास कैरेक्टर का नाम बताया गया भैरवा, जिसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो मैंने बना दिया है, यहाँ ऊपर तुमको कार्ड पे इधर या इधर कहीं पे दिख रहा होगा तो तुम जाके देख सकते हो। इसके अलावा तमन्ना भाटिया की एक नई मूवी जिसमें वो लीड रोल करेंगी ओडेला 2 का फर्स्ट लुक पोस्टर आ चुका है। ये मूवी ओडेला रेलवे स्टेशन का सीक्वल है। इसके अलावा लव यू शंकर का भी एक छोटा सा टीजर आया जो कि श्रेयस तलपड़े की मूवी है। इसके अलावा एक्टर धनुष और नागार्जुन की एक नई मूवी कुबेर का फर्स्ट लुक पोस्टर और एक मोशन पोस्टर ड्रॉप किया गया यूट्यूब पे। साथ ही साथ इस मूवी की शूटिंग कल से बैंकॉक में शुरू हो चुकी है एंड ये प्रोबेबली 1-2 महीने तक चलेगी। आगे बात करें तो जूनियर एनटीआर की देवरा मूवी जिसको अप्रैल में रिलीज किया जाना था और अब वो पोस्टपोन हो गई 10 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है, जिसका क्लैश होगा बिग बैड बैडएस रवि कुमार के साथ। इस मूवी से रिलेटेड एक अपडेट आई है जहां इस मूवी के दोनों पार्ट्स को लेके मेकर्स जो है बाहुबली वाला प्लान फॉलो करना चाहते हैं, जहां बाप और बेटे दोनों की कहानी दिखाई जाएगी मूवी के अंदर, जहां बाप का जो माइटी पावरफुल कैरेक्टर होगा वो सीक्वल के अंदर रिवील होगा यानी कि सेकंड पार्ट के अंदर। साथ ही साथ बाप और बेटे दोनों का रोल जूनियर एनटीआर ही प्ले करेंगे ऐसा बताया जा रहा है अभी के लिए। इसके अलावा कुछ और हैवी रूमर सामने आई जेलर 2 मूवी को लेकर, जहां ये बताया जा रहा है कि नेल्सन और रजनीकांत ने मिलकर जेलर 2 मूवी को प्लान कर लिया है, जिसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट बहुत जल्द आने वाली है। अब देखो इंडियन सिनेमा के अंदर ना अगर कोई चीज प्रॉफिट दे जाती है तो उसके ऊपर कैपिटलाइज करने का, उसके ऊपर मिल्किंग करने का रिवाज बहुत पुराना है, तो हो भी सकता है क्योंकि जेलर ऑल टाइम इंडस्ट्री हिट बन चुकी है, जहां शायद जेलर तमिल इंडस्ट्री की सेकंड हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी है, मुझे ठीक से क्लियर नहीं है सेकंड है या शायद थर्ड है, तो अगर इस मूवी का सेकंड पार्ट आता भी है तो मैं उतना ज्यादा सरप्राइज नहीं हूंगा। इसके अलावा पिछले हफ्ते ऑस्कर्स भी हो गए और अवार्ड्स भी बढ़ चुके हैं, तो उनके बारे में भी थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं। जहां ओपेनहाइमर ने बाजी मार ली ऑस्कर में, 13 नॉमिनेशन मिले हैं इस मूवी को पूरे ऑस्कर्स के अंदर, जिनमें से 7 ऑस्कर्स इस मूवी ने जीते हैं। जहां बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल का अवार्ड सीलियन मर्फी को मिला ओपेनहाइमर के लिए। इसके अलावा बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल का अवार्ड रॉबर्ट डाउनी जूनियर को मिला ओपेनहाइमर के लिए। अब रॉबर्ट डाउनी जूनियर को उनके पूरे करियर में पहला ऑस्कर मिला है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। इससे पहले भी उन्हें 2 ऑस्कर्स में नॉमिनेट किया गया था, बट इस बार उन्होंने पहली बार ऑस्कर को जीता है। और पता नहीं क्यों दिस फील्स पर्सनल, क्योंकि 2008 से रॉबर्ट डाउनी जूनियर के साथ एक लगाव सा हो गया था जब से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की मूवीज देखना फॉलो किया, और साथ ही साथ बंदे की जो इंस्पिरेशनल जर्नी है जीरो से लेके हीरो बनने तक का सफर, रियल मोटिवेशन मिलेगा। इसके अलावा बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड क्रिस्टोफर नोलन को मिला ओपेनहाइमर मूवी के लिए। इससे पहले भी वो नॉमिनेट हो चुके हैं 2-3 बार, पर उन्हें भी एज अ डायरेक्टर पहली बार ऑस्कर मिला है। यहाँ ये सुनके काफी ज्यादा हैरानी होती है कि बंदे का करियर ऑलमोस्ट 30 साल का है, जहां इंटरस्टेलर, टेनेट, डंकर्क जैसी मूवीज देने के बाद भी बंदे को ऑस्कर आज पहली बार मिला है। इसके अलावा बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड एमा स्टोन को मिला अपनी अमेजिंग स्पाइडरमैन वाली ग्वेन स्टेसी, और उसके अलावा बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स का अवार्ड मिला गॉडजिला -1 मूवी को, जो कि मेरे ख्याल से इस पूरे ऑस्कर्स में सबसे ज्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट था, क्योंकि 10 मिलियन के बजट में एक ऐसी मूवी बना देना जिसका मेन कैरेक्टर ही सी मॉन्स्टर है, या फिर कह सकते हो CGI कैरेक्टर, बहुत बड़ी बात है। अब लास्ट अपडेट की बात करें तो किसी एक बड़ी फ्रेंचाइजी की हाई बजट मूवी को कैंसिल कर दिया गया है, क्योंकि प्रोड्यूसर्स के बीच कुछ लफड़ा हो गया था। अब जैसे ही ये रिपोर्ट सामने आई तो लोगों ने गैस करना शुरू कर दिया, और मेजोरिटी लोगों का गैस यही था कि ब्रह्मास्त्र 2 को कैंसिल कर दिया गया है। बट मेरे ओपिनियन में ब्रह्मास्त्र 2 का कैंसिल होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके पार्ट 1 ने ठीक ठाक कलेक्शन कर लिए थे इतने बैड टॉक के बाद, इतने बैड रिव्यू के बाद, पूरा बॉलीवुड का बॉयकॉट वाला प्रोपेगेंडा के बाद भी इतनी अच्छा कलेक्शन कर लिया पूरे, तो इसका पार्ट 2 मेरे ख्याल से नहीं कैंसिल होगा। और वैसे भी आयन मुखर्जी और रणबीर कपूर जैसे पैशनेट लोग अगर इस मूवी से जुड़े हुए हैं तो मूवी को कुछ भी नहीं होने वाला। वही मेरे ओपिनियन में हेरा फेरी 3 वो मूवी हो सकती है जो की बड़ी फ्रेंचाइजी की भी है और इस मूवी को कैंसिल कर दिया गया है, क्योंकि जब फैंस ने बहुत ज्यादा डिमांड किया हेरा फेरी 3 को लेकर, तभी लोगों ने एक छोटा सा शूट रखा, मूवी को कंफर्म किया और एक बिहाइंड सीन फोटो डाल दी। अब ये चीज है कम से कम 7-8 महीने पहले की बात, और उसके बाद से लेके आज तक हेरा फेरी 3 के सेट से कुछ भी नहीं पता चला, ये भी नहीं पता चला कि उसके सेट में मच्छर उड़ रहा था या नहीं। तो मेरे ख्याल से हेरा फेरी 3 वो मूवी हो सकती है जिसको कैंसिल कर दिया गया। बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे किसी और दिन ऐसी अमेजिंग वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और अगर ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट्स मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हो। मेरा नाम है अभी एंड यू आर वॉचिंग सिनेमा विद अभी।